कड़ी धूप में प्यास लगने पर हलक सूखने लगता है और ठंडा पानी पीने की तेज इच्छा होती है। ऐसे में सबसे अधिक परेशानी गरीब तबकों को होती है। इनके लिए फ्रिज का इंतजाम करना तो मुश्किल है, लेकिन मिट्टी का मटका ऐसा फ्रिज है जो गर्मी में गरीबों की प्यास भी बुझाएगा, साथ ही उनकी जेब को भी हल्की नहीं होने देगा। गर्मी की आहट और बढ़ते तापमान के साथ ही बाजार में गरीबों का फ्रिज कहे जाने वाले मटके खूब बिक रहे हैं। राजधानी जयपुर के कई क्षेत्रों की दुकानों और फुटपाथ पर इनकी सजावट देखी जा सकती है। दुकानदारों का कहना है कि वो शहर में आपूर्ति के लिए आसपास के गांव से मटके बनवाकर मंगवाते हैं। हर तबके और उनकी जेब के अनुसार बाजार में मटके उपलब्ध हैं, लेकिन उनका दर्द ये है कि सदियों से चला आ रहा यह व्यवसाय अब धीरे धीरे ठंडा पड़ता जा रहा है। इसको लेकर प्रजापति समाज की आने वाली पीढ़ी किसी और स्किल में अपना रुख करने लगी है। मटके बाहर से लाते हैं हम, ब्यावर से, दिल्ली, कोटा, अजमेर, सीकर से, यहाँ से लाते हैं, जिसमें हमारे पास 50 से 300 तक के मटके हैं, जिसमें आधे तो रास्ते में फूट जाते हैं, नुकसान कई हो जाता है, बहुत सारा नुकसान हो जाता है। और आज जिसमें है ना, हमारा धंधा भी नहीं चल रहा ढंग से, जो बच्चों का गुजारा कैसे करे कैसे नहीं करे, बच्चों की आगे की पढ़ाई लिखाई सब कुछ है हमारे आगे, बच्चों का भविष्य है, वो कैसे चलेगा कैसे निकलेगा। बेरोजगार हो रहे से काहे कौन धंधा पानी, काम धंधा बिल्कुल ही कौन है, बेरोजगार छा। दूसरी ओर खरीदारों का कहना है कि भले ही लोग आधुनिकता के दौर में पानी ठंडा रखने के लिए फ्रिज का उपयोग करते हैं, लेकिन सच तो ये है कि फ्रिज के पानी में मटके के पानी जैसी मिठास नहीं मिलती है। मटके का पानी हमेशा से अच्छा रहा है, फ्रिज के पानी से बहुत अच्छा है, इसमें खुशबू होती है, इसमें ताजगी होती है, गले को नुकसान नहीं करता, कितना भी ठंडा हो कभी गले को नुकसान नहीं करता। फ्रिज का पानी बच्चों के लिए भी नुकसानदेह है, मेरे घर में बड़े भी हैं बच्चे भी हैं, उनके लिए मटके का पानी सबसे बेहतरीन। दरअसल न्यूनतम मजदूरी न मिल पाने की वजह से मटका व्यवसाय से लोगों का रुझान कम होता जा रहा है और उनके बच्चों का भी ध्यान या तो दूसरे व्यवसाय में या फिर नौकरियों में ध्यान लगा पा रहे हैं। कैमरा पर्सन दिनेश मेहरा के साथ सुरेंद्र बिजारना, एवन टीवी, जयपुर।